To Academy, और 19 करते हैं, 1, चलो क्वेश्चन देखते हैं तो देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है मतलब है, जो फूड आपका ज्यादा ऑयल और घी के साथ में बनाए जाते हैं उनमें पैक करने से पहले उनको नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं मीन्स उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं वाई क्वेश्चन है आपका ये अब आप आंसर कर दोगे इसका कि हम क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस को लाइक like आपने देखा ये चिप्स के पैकेट्स हैं ये लेज हो गया आपका कुरकुरे हो गया इसी तरह से अंकल चिप्स देखते हो तो, तो ये सारे पैकेट आप देखते हो जब आप खरीदते हो तो फूले हुए होते हैं पैकेट्स इसमें चिप्स थोड़े होंगे लेकिन पैकेट पूरा फूला होता है टाइटली तो इसके अंदर क्या होता है इनके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन गैस होती है ठीक है नाइट्रोजन गैस से फिल किए जाते हैं अब नाइट्रोजन गैस से क्यों फिल किए जाते हैं एक तो देखो ये इनर्ट नेचर में है तो ये खुद से तो कोई रिएक्शन करेगी नहीं फूड के साथ में ठीक है नाइट्रोजन इनर्ट है तो इसके साथ तो फूड का कोई रिएक्शन होगा नहीं तो इसको इसके अंदर कर दिया अब क्वेश्चन ये है कि हमने नाइट्रोजन से क्यों फिल किया तो एक कारण तो मैं समझ में आ गया कि इनर्ट है दूसरा कारण क्या है कि जब भी हमारा ये ऑयल और फूड कंटेनिंग फूड आइटम जो फूड है हमारा ना जो ऑयली फूड है ये जब ऑक्सीजन से के कॉन्टैक्ट में आता है तब क्या होता है ये रैंसिड हो जाता है रैंसिड होने का मतलब क्या है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है आप कह सकते हो और इसका जो टेस्ट होता है टेस्ट स्पॉयल कर जाता है खराब हो जाता है टेस्ट साथ ही क्या होता है इसकी स्मेल भी खराब हो जाती है ये अनप्लेजेंट स्मेल वाला भी हो जाता है अनप्लेजेंट स्मेल तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब यदि ऑयली फूड ऑयल एयर के संपर्क में आता है अब आपने देखा होगा घर में जब आप नमकीन वगैरह कोई चीज़ या बिस्किट सब कुछ कोई चीज़ खुला रख दोगे तो क्या होगा आपका कुछ समय बाद यदि उसको लोगे आप और उसका ना तो टेस्ट अच्छा लगेगा आपको ना ही वो आ, उसकी स्मेल अच्छी लगेगी आपको थोड़ा सा वो अजीब सा टेस्ट लगेगा उसका तो ये क्यों होता है क्योंकि ये फूड आपका ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेंसिडिटी ठीक है ना तो ऑक्सीडाइज हो गया फूड और रेंसिड होने की वजह से ख़राब हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं जाएगी अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की एंट्री तो बैन हो गई पैकेट सील्ड है अंदर नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो ये फूड जो है वो सेफ हो गया समझ में आ रही है बात तो इस तरह से ये फूड आपका सेफ़ हो जाता है तो टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेफ फूड आइटम्स को फ्रेश और सेफ इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप पैकेट को खोलते हो आपको वो चिप्स खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं फ्रेश होते हैं यही चिप्स यदि आप पैकेट खोल दोगे और दो चार चिप्स खाए आपने बाकी रखा रहने दिया दो दिन बाद खाए तो वो आपको बेकार लगेंगे तो उससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी ये बात कि क्यों होता है क्योंकि वो टेस्ट उसका खराब हुआ है ऑक्सीडाइज होने की वजह से सेफ फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज तो किस तरह से नाइट्रोजन जब हम फिल करते हैं फूड आइटम्स में तो उससे हमारा जो फूड है वो सेफ रहेगा जो ऑयली फूड है सेफ रहेगा फ्रेश रहेगा और ऑक्सीडाइज नहीं होगा आ रहा है समझ में थैंक यू